वेलकम बैक टू माय चैनल सोनू द मिस्ट्रिक। मैं हूँ सोनू, ये है राकेश। और अब हम सुबह सुबह मॉर्निंग 6:12 को निकल पड़े हैं जाने के लिए। कहाँ? देवलाली। देवलाली। और देखिए यहाँ पर लोगों का मॉर्निंग वॉक चालू है। ये जो पूरा स्ट्रेच है ना हमारे घर के सामने, यहाँ पे मॉर्निंग वॉक होता रहता है। तो चलिए आपको रास्ते में देखिए, इसी को बोलते हैं सुबह की लाली माँ। थोड़ा थोड़ा दिन निकलने लगा है। ये देखिए मॉर्निंग सन। मैंने बोला था ना, जहां जहां मॉर्निंग सन पड़ता है वो सब चीजें ब्यूटीफुल हो जाती हैं। ये देखिए, ये उल्लास नदी का ब्रिज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे फूल और ये सभी लोग फेंक देते हैं। जब बड़े बड़े दिन आते हैं ना तो यहाँ पर सब फेंक देते हैं लोग आके, और कोई लोग नदी में फेंक देते हैं, कोई लोग यहीं छोड़ के चले जाते हैं फॉर द गवर्नमेंट टू पिकअप। तो इतना एक सेंस होना चाहिए, मगर क्या करेंगे। देखो आपको दिखाई देगा, ये उल्लास नदी है। यहाँ देख लो क्या क्या फूल पड़े हैं। वो देखिए इधर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, में बहुत देर से इनको फॉलो कर रही हूँ, आपको शायद दिख रहा हो कि नहीं, बट इट इज अ ब्यूटीफुल साइट। देखो तो पहुंच गए हैं हम लोग शिव सागर। आज एक नए रेस्टोरेंट में हम लोग रुके, नहीं तो ज्यादातर हम लोग भगत ताराचंद रुकते हैं। आज सोचा यहाँ रुकते हैं। तो बस आज एक जगह पर कुछ वो ख़राब हो गया था, कुछ ये कंटेनर्स वाले जो जाते हैं ना बड़े ट्रक्स, तो थोड़ा ट्रैफिक मिला, नहीं तो कोई ट्रैफिक नहीं मिला। आराम आराम से जा रहे हैं। तो कैमरा मेरी तरफ है तो अभी अंदर चलते हैं, कुछ खाते हैं और फिर निकलते। भूख बहुत ज़्यादा लगी, भूत हो गया था तो भूख लगी है। चलो अंदर चलते हैं, कुछ खाते हैं। चलिए, जय महाकाल। ये देखिए शंकर जी का ब्यूटीफुल लग रहा है एकदम। ये यहाँ पर हम आए हैं, ये है शिव सागर। यहाँ पर हम लोग सोचे चलो नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करके फिर यहाँ से निकलते हैं। इतनी सुपर फास्ट स्पीड में है ये मेरी इडली, वो उसका इडली और वड़ा। अभी इसकी चाय आएगी राकेश की, चलो खाते हैं। हमारा है मेरा चिकन मिल्क है, और ये है राकेश की चाय। मसालेदार चाय। एक्चुअली ये बहुत, मैं जब बॉम्बे आया था तब मैंने ये स्टाइल देखा था। और हमारे इधर ऐसा नहीं चलता है, कप में ही देते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको ठंडा करूँगा अभी, तो अभी आपको है ना मैं दिखा रही हूँ। हम लोग जब से निकले हैं इस रास्ते पे, मतलब मुंबई से थोड़ी दूर हम आए होंगे के बाजू में, हम लोग को बहुत सारे फूल पड़े हुए दिख रहे हैं, जो गेंदा के फूल होते हैं ना, बहुत सारे फूल रास्ते में पड़े हुए दिख रहे हैं। यहाँ देखो फिर दिख रहा है ऐसे छोटे छोटे पैचेस में भी, और ये यूज्ड फूल नहीं है, मतलब कैसे कुछ बनाया हुआ होगा, मालाएं होंगी, वैसा नहीं है, ये सिर्फ फूल है। अभी क्यों पड़े हुए हैं यहाँ पे, अभी तो जैसे त्योहार था तो बेचने के लिए फिर उन लोगों ने एक्सेस वहां छोड़ दिया, पता नहीं। मगर पूरे रास्ते में ये दिख रहा है इस तरह से, और आएगा तो आपको दिखाऊंगी मैं। इतना सीनिक है, देखो ये अच्छा लग रहा है। सभी थोड़ी देर में हम लोग का सारा चढ़ने ही वाले हैं। ये देखो लास्ट टाइम यही कर अपना होगा स्विट्जरलैंड, और ये
नागालैंड, पोलैंड, नागालैंड, स्कॉटलैंड। यहाँ से कसारा ऊपर जाएंगे, कसारा का ऊपर जाने का है, वो सामने जो आपको गाड़ियाँ दिख रही होंगी नीचे आते हुए, वो कसारा से नीचे उतर रहे हैं। हम लोग यहाँ रुके हैं, राकेश इंसुलिन लेना चाहता है, आपको दिखाती हूँ, मैं भी शायद लूँगी इंसुलिन। यहाँ राकेश इंसुलिन ले रहा है, वो ही दिखा रहे हैं, तुम इंसुलिन ले रहे हो। ये है डोगरा फूड मॉल, तो यहाँ पर काफी लोग हैं, देखेंगे अभी। बस यहाँ से थोड़ी दूरी है, मतलब अभी अगर एक बार का सारा क्रॉस कर लिया तो समझ लो अराउंड 40-50 किलोमीटर हमारा घर होगा, पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। वहाँ के लिए निकलते हैं, यहाँ पे राकेश को जो जो लेना करना है कर ले वो। फिर ऐसे ओल्ड कपल भी आए हैं यहाँ पे, जैन तीर्थ दिख रहा है, थोड़ा पास में और जा रही हूँ। इसको ये जो मंदिर दिख रहा है श्री जैन तीर्थ है, यहाँ पर राकेश को बहुत दिन से जाना है, एक दिन हम लोग इस 4-5 दिन में देखेंगे, काफी अच्छा है वहाँ से आपको दिख रहा होगा। श्री जैन धर्म चक्र बहुत तीर्थ है, एक दिन हम लोग जाना है। तो पहुंच गए हम लोग और अभी सामान धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, मैं बहुत थकान हो रही है, चलो चलते हैं ऊपर। चुके हैं हम लोग हमारे देवला दी के घर, और इधर पे क्लाइमेट इतना अच्छा है, थोड़ी धूप है मगर टेम्परेचर बहुत अच्छा है और ठंडी हवा चल रही है, पंखे में भी रहेंगे तो चलेगा, एसी की ज़रूरत नहीं है, पर हमने एसी चलाया है क्योंकि हमको अच्छा लगता है। बट द टेम्परेचर एंड एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, और शाम को तो और 20 डिग्री हो जाएगा तो और अच्छा होगा। तो मैंने रख दी है दाल चढ़ाने के लिए, चढ़ा दी है दाल होने के लिए, और अभी क्योंकि पिछली बार राकेश इतनी अच्छे से बैगन नहीं खा पाया था, तो फिर से आज मैं भरवा बैगन बनाऊँगी और इस बार आपको भी मैं रेसिपी दिखाऊँगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो थोड़ा रिलैक्स करते, राकेश के पैर सूज गए हैं फिर से, आजकल ना उसको ड्राइविंग में पैर सूज जाते हैं, ही गेट्स वेरी टायर्ड। तो चलिए, अच्छा लग रहा है इधर आके, और एक्चुअली ना वो एयर एकदम अलग पता चल रही है, एकदम आई कैन फील दैट इट इज़ सो प्योर, यू नो द एयर इज़ सो लाइट एंड एवरीथिंग, मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि ब्रीद एंड एवरीथिंग। थोड़ा नीचे मकड़ी वकड़ी के जाले हो गए, पर ठीक है कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में बोल रही थी दिन में। तो खाना हम लोग ने खा लिया, आके मैं तुरंत खाना बनाने में लग गई, तो मेरे को पाँव बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मतलब पूरा बॉडी ही दुख रहा है, और खाना खा लिया है और वो है वहाँ राकेश, और देखो, और अभी तो मैं सो जाऊँगी थोड़ी देर क्योंकि उसके बाद मंदिर जाना है। अभी हाँ, अभी इतनी थकान लग रही है, ना मुझे मोबाइल चाहिए ना कुछ, बस एक सत्संगी बुक ले जाऊँगी, वो पढ़ूंगी और सो जाऊंगी थोड़ी देर, वेरी टायर्ड। तो आज मुझे मेरे ड्रेसेस भी देने हैं सिलने के लिए, उसके लिए दिवाली के लिए या तो ड्रेस पहनूंगी या साड़ी, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है, पर चलो पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलिए देखिए, पूनम आ गई है ना, तो बहुत अच्छा ये चांद दिख रहा है, कैमरे में बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, पर थोड़ा आप इश्क और प्यार का मजा लीजिए, मतलब थोड़ा देख के समझिए आप, ठीक है, ओके। तो ये दीपक है, दीपक ने ये एक अनाथालय के लिए
एक मैडम ने इसको ऑर्डर दिया हुआ है, तो इसने 10-10 रुपीज का ये पूरा इसमें मेरे ख्याल से कितना 10 आइटम है कि 12 आइटम इसने लगा के दिया है। इसमें पेन है, सॉरी 2 पेन है, एक टूथब्रश है, एक पेंसिल है, वैसलीन है, टूथपेस्ट है, साबुन है, नारियल का तेल है, नहाने का साबुन है। इस तरह से इसने ये 100 रुपीज़ 110 या 120 में इसने ये बना के दिया है। बहुत अच्छा है ये। अगर मुझे भी आइडिया अच्छा लगा, अगर किसी को देना करना हो तो। कितने मंगवाए हैं ये दीपक? कितने कितने पैकेट से? 150 पीस हैं ये। तो ये बहुत अच्छा आइडिया लगा, हर एक चीज़ उसने 10-10 रुपीज के हिसाब से लगा के उसको दी है। तो ये तो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ देखिए 2 चांद, एक गाड़ी के अंदर और एक ऊपर, यहाँ पर एक, वहाँ पर एक, और एक यहाँ। तो अभी हम लोग खाना खाने जाएंगे, और यहाँ बहुत ठंड है, बहुत नहीं प्लेजेंटली ठंड है, तो इट्स अ गुड स्विच फ्रॉम बॉम्बे। तो चलिए पहले खाना खाते हैं।